हे गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हमारी एक वीडियो होने वाली है जो कि ऑन मैक कॉस्मेटिक्स पे है। और इस वीडियो में मैं आपको मस्ट हैव बताऊंगी। वैसे तो मैक बहुत ही लोगों का फेवरेट होता है, बट मैक के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कौन सा फेवरेट है मेरा पर्सनली फेवरेट, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो मैक का सबसे ज़्यादा फेवरेट, और वो बहुत ही ट्रेंडी है और कई सालों से एक्चुअली वो हॉट सेलिंग है। हर आपको मेकअप आर्टिस्ट के बाद, स्किन के एक्सपर्ट्स के बाद, सो गाइस वो प्रोडक्ट है ये मैक का फिक्स प्लस। ये एक मतलब मैक का सबसे क्लासिक प्रोडक्ट है। इसको मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने बैग में, जब भी मैं मेकअप करने से पहले, मेकअप करने के बाद, इवन विदाउट मेकअप, इज एज अ हाइलाइट, हाइड्रेशन के लिए भी मैं इसे यूज करती हूँ। ये बहुत ही हैंडी है, आपके पास ये होनी ही चाहिए। बस एक स्प्रे करो मेकअप से पहले, एक मेकअप के बाद, और आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट हो जाएगा। 8 आवर्स के लिए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सो आई जस्ट लव दिस मेकअप प्रोडक्ट। और अनदर उसका जो प्रोडक्ट है वो है ये मैक का ये क्रीम है, स्ट्रॉप क्रीम हाइड्रेंट लुमिनेक्स। ये कमाल का प्रोडक्ट है। एक इसे क्या होता है, ये मैंने पिंक कलर में यूज़ करती हूँ। इसके और भी वर्जन आते हैं, एक सिल्वर आता है वाइट सा, और एक और आता है, मैं हमेशा पिंक लेती हूँ, पता नहीं क्यों पिंक लेती हूँ। मुझे तो इस क्रीम से प्यार है। अगर मुझे कुछ भी नहीं लगाना फेस पे, कुछ भी नहीं, और मैं ये सिर्फ क्रीम लगा लेती हूँ, तो मतलब और कुछ जरूरत नहीं होता है। जो उसका ग्लो आता है इस क्रीम से, वो और किसी भी क्रीम से नहीं आता है। इसको अंडर फाउंडेशन भी लगा सकते हो आप, और विदाउट फाउंडेशन भी लगा सकते हो। कभी जस्ट बीबी क्रीम से पहले लगा सकते हो, या फिर आप किसी भी चीज़ के साथ इसे लगा सकते हो। इसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। देख, मैं भी इसको यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैं इसे यहाँ लगाती हूँ। गाइस ये एज अ हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ। आई जस्ट लव दिस क्रीम। ये आपकी जो स्किन कंडीशन होगी उसे बहुत ही बेटर कर देता है। इसके ऊपर अगर आप मेकअप करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी, देखो मैं यहाँ पे जब टच भी कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि मेरी स्किन इसे लगाने से पहले थी और जो अब हो गई वो और सॉफ्ट हो गई है। तो गाइस देखो, यहाँ की स्किन देखो आप, और ये स्किन देखो, आपको डिफरेंस फील होगा शाइन का। तो ये ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी स्किन को फेयर कर देता है, ये कर देता, नहीं, ये सिर्फ आपकी स्किन को एक हाइड्रेट, एक बोलते हैं ना स्किन, फ्रेश स्किन की जो वो लुक होता है वो देता है। और आपकी स्किन इसका लगाने के बाद ना बहुत ही एकदम जो शाइन होती है फेस में, ग्लो होता है, वो हेल्दी स्किन वाला। एक होता है शिमरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिमर, ये शिमरी ग्लो ऐड नहीं करता, लेकिन जो हेल्दी ग्लो होता है वो ऐड करती है ये क्रीम। तो मस्ट बाय है ये, आपकी मेकअप किट का हो या स्किन केयर किट का हो, उसमें ये होनी ही चाहिए। और ये भी मैंने ट्रेवल साइज के लिए हुए, सो दैट आप कहीं जा रहे हो तो आप इसे ट्रेवल किट में भी आप कर सको। ये मिनी वर्जन जो निकाले हैं मैक ने, मुझे तो उसकी मिनी रेंज बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ये भी शायद आई थिंक 1000 की थी, मैंने ये नायका से ऑर्डर की थी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूँगी। सो अनदर प्रोडक्ट जो है वो मैक की लिपस्टिक है। इसका शेड है 315 लास्टिंग पैशन पाउडर की लिपस्टिक। ओके गाइज, सो हम सबको ही पता है कि कुछ लिपस्टिक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, मैं लिपस्टिक खा जाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यार मेरे 1-2 घंटे बाद लिपस्टिक मैं अंदर से खाना चालू कर देती हूँ, मैं कुछ खाती हूँ लिपस्टिक हट जाती है। कुछ लोगों को पता होता है कि लिपस्टिक का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि वो खा जाते हैं। तो गाइज ये जो लिपस्टिक है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, और इसका 315 है। यू मस्ट हैव दिस लिपस्टिक। अगर आपको कभी भी एक जो रेड लिप्स होते हैं वो चाहिए, एक तो होते हैं बोल्ड लिप्स, जैसे मैंने कहा थोड़ा डार्क लिप्स हैं ये रेड, वो एक होता है जस्ट हल्का सा कलर रेडनेस, और बाकी आपको नेचुरल फिनिश लगे, ना इसमें कोई शाइन है, सिर्फ मैटी है। दिखाती हूँ आपको,
गाइस ये बहुत ही प्यारा कलर है रेड, आप इसे डे टाइम में भी कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये मैक की, आपके पास होनी ही चाहिए। और अगला बताती हूँ मैं, मैक का काजल। ये काजल स्मच, एक तो काजल आता है उसका जो स्मच हो जाता है जो हम यूज़ करते हैं स्मोकी आइज क्रिएट करने के लिए, मैं ये वो वाला काजल नहीं है, ये है इसका स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसकी कॉस्ट 1700 रुपीज़ है और गाइज ये मस्ट है। अच्छा मैंने उसका प्राइस नहीं बताया है इस लिपस्टिक का, जो ये पाउडर 315 लिपस्टिक है मैक की, ये इसका प्राइस 1800 है और ये मतलब इट्स वर्थ इट, मैक के सारे प्रोडक्ट ही वर्थ इट है। ओके ये काजल दिखाती हूँ, कितना ही कितना डार्क है ये देखो गाइस, लुक एक ही स्ट्रोक में। ये मैंने लिया है सबसे डार्क, इसके लाइटर भी आता है थोड़ा सा लाइट होता है, मैंने लिया है जेट ब्लैक जो होता है बिल्कुल डार्क वाला। ये 1700 कॉस्ट है इसकी और ये काजल मतलब आपको टाइम जरा सा कर लगाया और एक मिनट में आप रेडी। ये इन प्रोडक्ट्स ज़्यादा बहुत जल्दी क्विक रेडी हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, एक स्ट्रोक में हो जाता है। इसको आप एज आई लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट प्रोडक्ट टू हैव इन योर मेकअप लिस्ट, आपके पास ये तो होना ही चाहिए। और जो हमारी आज की बेस्ट चीज़ है, जो मेरी या सबकी फेवरेट है, वो है मैक की रूबी वो लिपस्टिक। सो गाइज ये छोटी मिनी वर्जन है इसका, इसने तो सच दिल ही जीत लिया है, क्योंकि जो बड़ा वर्जन था 1800 का वो ये छोटा है, ये आई गेस 1000 या 1200 मुझे याद नहीं, 1000 या 1200 का है। ये भी मैंने नायका से मंगाया है छोटा मिनी वाला, गाइज बहुत क्यूट है, बहुत परफेक्ट लिपस्टिक है, क्यूट सी। आपको रेड में डिफरेंस दिख रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था अगर आपको कभी सिर्फ हल्का शेड चाहिए जो आपको पूरा दिन स्टे रहे, पूरा दिन लॉन्ग लास्ट करे, इसका टेस्ट भी अच्छा हो, आपको फील आए कि हाँ आपकी बहुत टेस्टी लिपस्टिक है और बहुत बोल्ड लिप्स ना लगे, नेचुरल सा लगे, तो आप ये वाला रेड आपके पास होना चाहिए। बट आप चाहते हो कि आप लिप्स बड़े ही थोड़ा बोल्ड लिप्स चाहते हो, डार्क लिप्स चाहते हो, स्टैंड आउट चाहते हो आपके भाई, या फिर रात के टाइम पार्टी में, किसी भी पार्टी में, वेडिंग्स में, डिनर पे आपको रेड लिप्स करने चाहिए, तो इससे बेटर लिपस्टिक हो ही नहीं सकती कोई सी भी। ये रूबी वू है मैक की, ओके ये है 707 रूबी वू। गाइज आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, ये शायद 2-3 साल से मेरे पास रूबी वो होता है, ये मेरे बड़े साइज में भी था, मैंने छोटे में लिया है, ये हमेशा मेरे ट्रेवल किट में भी होता है और शायद सबसे ज़्यादा मैं इसी लिपस्टिक को यूज़ करती हूँ जब भी मुझे रेड लिप्स चाहिए होते हैं। ये बहुत ही लोगों ने रिकमेंड किया होगा, शायद आप में से बहुत से लोगों के पास हो भी, कमेंट में मुझे बताना कि आप इनमें से आपके कौन सी फेवरेट प्रोडक्ट है मैक का, आपको कौन सा प्रोडक्ट नहीं पसंद है वो भी मुझे बताना, मस्ट हैव में आप कौन कौन सा ऐड करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं।